पहांदी पारी कुपार लिंगो ना सेवा सेवा रायतार जंगो ना सेवा सेवा बुदाल पिंता भीमाल पिंता गंगार पिंता बुढ़ाल पिंता सेवा सेवा समस्त सगा जनों को हर्षिता अभिषेक उनके बक्सर बिहार की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण मानव जाति का सृजन करने वाली महिला है, जन्म देने वाली महिला है, जन्म देकर आचार विचार एवं इंसान की परिभाषा सिखाने वाली महिला ही है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय से हमारे मातृसत्तात्मक समाज में इस प्रकृति की अतुल्य भेद नारी शक्ति को पैरों तले रौंदा जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, इसका पता लगाना अति आवश्यक है। हम युवतियाँ समाज के विकास में, समाज सेवा में, हर आंदोलन में, क्रांति में सहयोग देना चाहती हैं, कदम से कदम मिलाकर साथ चलना चाहती हैं। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ती हैं समाज सेवा में, तो हमारे द्वारा गलत संगठनों का चुनाव कर लिया जाता है या गलत व्यक्तित्व के चंगुल में हम फंस जाते हैं। यूँ तो संगठन गलत उद्देश्य से नहीं बनाए जाते, अच्छे उद्देश्य से, अच्छे लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलत व्यक्तित्व के लोगों के संलिप्तता के कारण हमारी जनजातीय समुदाय की युवतियों की ऐसी दशा हो जाती है। आजकल तमाम न्यूज़ चैनल रिपोर्ट्स में देखने के लिए मिलता है कि जनजातीय समुदाय की ही लड़कियां तस्करी में, देह व्यापार में आदि में संलिप्तता पाई जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्या कारण हो सकता है? कहीं ना कहीं समाज में व्याप्त मानसिक कुरीतियां एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त तुच्छ विचारधारा के लोगों के कारण ही हमारी जनजातीय समुदाय की लड़कियों का ऐसा हाल होता है। उनके द्वारा समाज सेवा की आड़ में गलत कार्यों के लिए हमें उकसाया जाता है। समाज सेवा की आड़ में अय्याशी, होटलबाजी और न जाने क्या क्या होता है, और हमारे द्वारा इन सब का विरोध किए जाने पर हमें न जाने क्या क्या कहकर हमारा आत्मबल, मनोबल गिराया जाता है। चरित्रहीन उच्छृंखल और न जाने कितने गंदे जिससे हमें हमारे दामन में दाग लगाया जाता है, जिसमें नारी को नारी के विरुद्ध ही खड़ा कर दिया जाता है। जी हाँ, अगर एक लड़की शोषण का शिकार होती है तो उसमें नारी का भी सहयोग होता है, वो बराबर किस साथ देती है, सहयोगी होती है उसके शोषण होने के शिकार में, ये सही है, जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, यह सब जनजातीय समुदाय की लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने का एक षड्यंत्र मात्र है, जिनमें हमें हमारे आत्मबल एवं मनोबल को लगातार निरंतर गिराने की कोशिश की जाती है, जिसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें हमारे समाज में अपनों के विरुद्ध ही खड़ा कर दिया जाता है। आज हमें अपने हक और अधिकार के अलावा समाज में व्याप्त उन तमाम तुच्छ विचारधारा के लोगों से, समाज के विभीषणों से लड़ना है, जिनके कारण हमारे समाज की नारी शक्ति आगे आने से डरती हैं, जिनके कारण उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। अपने ही समाज के लोगों को ऐसे विचारधारा के लोग चंद रुपयों के लिए अपनी बहन बेटियों को बेचने में कतर नहीं कतराते हैं। आज हमें उनसे लड़ना है। अत्याचार, बलात्कार, मानसिक आत्मबल इतना टूटने के बावजूद भी ऐसी युवतियां अपना मुंह तक खोलने में समर्थ नहीं हो पाती है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, आत्मविश्वास एवं उनकी शिक्षा में कमी। जब हमारे अंदर हमारे आत्मविश्वास में कमी होगी तो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, चाहे हमारा एजुकेशन कितना भी हो। हमें अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। मैं समस्त नारी शक्ति को आह्वान करती हूँ कि आप भूल गई हैं कि जनजातीय समुदाय की लड़कियाँ
जितनी भोली भाली होती हैं उतनी ही खूंखार एवं खतरनाक भी होती हैं। हमारे इस भोलेपन का ही फायदा उठाकर हमें उपयोग किया जाता है गलत दुष्कर्म कार्यों के लिए, जिससे हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। मत भूलिए आप कि एक नारी जब अपने समस्त सौंदर्य प्रसाधन को त्याग कर अपने मूल रूप में आती है, तब गलत विचारधारा, गलत मानसिकता के लोग भयभीत होकर कांपने लगते हैं। आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपने आत्मबल, आत्मविश्वास को टूटने मत दीजिए। आज उन बहनों से मैं अपील करती हूँ कि इन सभी समस्या से डरना नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करना है। आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमें नीच मानसिकता को दबाना होगा। जिस नीच मानसिकता से हमें देखा जाता है, इस कला को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी क्रम में एक छोटी सी पंक्ति है जो कि संपूर्ण नारी जाति को समर्पित है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, लेकिन मैं आज की नारी हूँ। ना ही मैं द्रौपदी हूँ, ना ही मैं सीता हूँ। मैं किसी प्रकार का अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं करूँगी। एक और सोच हमारे समाज की बेटियों को शोषण का शिकार होने में सहयोग देता है, वो है कि अगर वो शोषण का शिकार होती है तो अपने समाज के लोगों के द्वारा होती हैं, जिसमें उनके द्वारा ये सोच लिया जाता है कि छोड़ो ना, ये तो हमारे ही समाज का है, गलतियां हो ही जाती। नहीं, गलत है तो वो है, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे अन्य समाज का हो। और ऐसे गलत विचारधारा के लोगों से जब पूछा जाता है कि तुम अपनी बहन बेटियों को क्यों नहीं लाती हो समाज सेवा में, तो उनका साफ रहता है, बयान रहता है कि वो तो वर्किंग वूमेन है, ग्रेजुएशन कर रही हैं, कोचिंग कर रही हैं, IAS की तैयारी कर रही हैं। आखिर ऐसे कौन सा जॉब होगा जिसमें वो इतनी बिजी होती हैं? या एक बहाना होता है कि क्योंकि उनको पता होता है कि क्योंकि उनको पता होता है कि जिस प्रकार हम अपने समाज की युवतियों को उपयोग कर रही हैं, दुरुपयोग कर रही हैं, हमारी बहन बेटियों का भी दुरुपयोग होगा, इसलिए वो लाने से कतराते हैं। मैं अंतिम में कहना चाहूँगी कि आइए समस्त नारी शक्ति GSU के इस संगठन में हम अपना योगदान दें, समाज के विकास में, गोंडवाना क्रांति के आगाज में हम अपना सहयोग दें, उल्लुगान में साथ दें, क्योंकि कोई भी क्रांति नारी के बिना अपूर्ण होती है। अतः मैं कहती हूँ कि डरे नहीं, बल्कि नारी विरोधी समस्त ताकतों से लड़ें। सभी जनों को मेरा सहृदय धन्यवाद, एवं मैं GSU के समस्त आदरणीय सगाजनों से मैं आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति, कि वो हम नारी शक्ति को कदम से कदम मिलाने में हमारा हौसला बुलंद कर रहे हैं। अतः GSU का गठन तभी सार्थक सिद्ध होगा। जय नारी शक्ति, जय सेवा, जय जोहर, जय गोंडवाना।